हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द कॉन्फ्रेंस। तो मूवी शुरू होती है और हम कुछ एम्प्लॉयज को देखते हैं जो कि अपनी टीम बिल्ड करने के लिए एक रिजॉर्ट में जाते हैं जहां इनके लिए काफी सारे रूम रिजर्व थे। हमको पता चलता है कि इन सब में कोई भी कोऑर्डिनेशन या टीम वर्क नहीं था। ये 9 लोगों का ग्रुप होता है जिसमें लीना, ईवा, हैज़ा, आमिर, कैज, बियॉन, एनेट, टीम लीडर जोनस और सबकी बॉस एंजेला है। ये अपने टाउन में शॉपिंग मॉल खोलने वाले हैं। इन्होंने मार्केट खोलने के लिए बिल पास करा लिया था मगर शहर के लोग शॉपिंग मार्केट खोलने के अगेंस्ट थे। बॉस एंजेला की वजह से एम्प्लॉयज पर बहुत प्रेशर था क्योंकि कल शॉप की ओपनिंग होनी थी और एंजेला स्पीच देने वाली थी। कल के इवेंट होने से पहले सब रिलैक्स और एंजॉय करना चाहते थे, इसीलिए इस ट्रिप को प्लान किया गया था क्योंकि कहीं और जाना इन सबको अलाउ नहीं था। ये रिजॉर्ट टाउन से बाहर था। यहाँ 4 एम्प्लॉयज थे जिनका नाम जेनी, रॉजर, क्लियो जिसका काम टीम को एक्सरसाइज कराना था और कार्ल थे जो कि शेफ था। अब सारे अपने रूम में जाकर रेस्ट करते हैं। यहाँ पर हमको पता चलता है कि लीना रिसेंटली अभी हॉलीडेज आई है। वो हॉलीडेज पर इसलिए थी ताकि वो अपना स्ट्रेस रिलीज कर सके और मेंटली स्टेबल रहे। शेफ कार्ल जो खाना बना रहा था वो नोटिस करता है कि गैस खत्म हो गई है, इसीलिए वो अपनी कार से गैस भरवाने चला जाता है पर रास्ते में किले पड़ी हुई थी जिससे उसकी कार पंक्चर हो जाती है। कार्ल नोटिस करता है कि कोई उसको छुपकर देख रहा है, तभी पीछे से कोई उस पर हमला करके उसको मार देता है। दूसरी ओर सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे थे। इसी बीच एंजेला एक वीडियो प्ले करती है जिसमें दिखाया जाता है कि शॉपिंग मार्केट इनकी डेवलपमेंट का सेंटर होगा। यहाँ पर हमको बहुत इम्पोर्टेंट बात पता चलती है कि इस जगह पर बहुत ज्यादा करप्शन चल रहा था। शॉपिंग मार्केट के लिए इन सब ने फार्मर से उनकी जमीन छीनी थी और बदले में फार्मर्स को कुछ नहीं देने वाले थे। यहाँ डेवलपमेंट जैसा कुछ नहीं था बल्कि सारा पैसा शॉपिंग मार्केट में जाने वाला था। शॉपिंग मार्केट बनाने के लिए इन लोगों ने जमीन को बहुत सस्ते में खरीदा था और अगर शॉपिंग मार्केट नहीं बना तो इनको काफी सारा नुकसान उठाना पड़ेगा और वैसे भी ये मार्केट फेल ही होने वाली थी। तभी लीना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है और कहती है कि उसने तो ऐसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किए थे तो फिर उसके अप्रूवल सिग्नेचर यहाँ पर कैसे आ गए। तभी जोनस कहता है कि उसने सिग्नेचर किए होंगे, हो सकता है कि वो भूल गई हो। जोनस उससे कहता है कि तुम मेंटली स्टेबल नहीं हो इसीलिए तुम्हें काफी कुछ याद नहीं रहता है। ये सब देखकर हमको पता चलता है कि इस करप्शन के पीछे एंजेला और जोनस का हाथ है। कैज भी जोनस की मदद कर रहा था और वो सीनियर्स की बात सुन रहा था। बाकी कोई भी इस प्लान के लिए अग्री नहीं करता लेकिन उन सभी पर बहुत प्रेशर था। यहाँ एक फार्मर का जिक्र होता है जिसका नाम पॉलसन था। इन लोगों ने उससे उसका फार्म छीन लिया और उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया, बदले में उसको कुछ नहीं दिया जिसके चलते उस फार्मर ने सुसाइड कर ली थी। जिसके बाद हमको पता चलता है कि शेफ गायब था जिसकी वजह से उन्हें पैकेज्ड फूड और हॉट डॉग से गुजारा करना पड़ता है। जबकि वो मिस्टीरियस आदमी रिजॉर्ट के एक और स्टाफ रॉजर को एक बड़े हथियार से मार डालता है। जबकि दूसरी तरफ सब स्टाफ और एम्प्लॉयज का मूड खराब था इसीलिए जोनस मैस्कट बनके सबके सामने आता है और इस मैस्कट का नाम सॉर्टिस था जो उनके टाउन का कॉल वर्कर था जो यहाँ के जंगल का गार्डियन था। पर ये सब किसी को भी फनी नहीं लगता जिससे जोनस को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सबसे कहता है कि मैंने इतनी मेहनत से कॉस्ट्यूम पहनी तुम सबको सिर्फ एंटरटेन करने के लिए पर तुम लोगों पर किसी चीज का कोई असर ही नहीं होता। एंजेला जोनस से कहती है कि बाकी लोग तुमसे जलते हैं क्योंकि वो तुम जैसे नहीं हैं और उनके पास तुम्हारे जैसी कला नहीं है। वो जोनस से कहती है कि कल ओपनिंग सेरेमनी में गोल्डन शेवल तुम चलाना, बाकी सब क्लियो के साथ मिलकर बिल्डिंग एक्सरसाइज करते हैं। क्लियो इन सब से इनका फोन ले लेती है ताकि ये लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो जिससे वो एक दूसरे को अच्छे से जान सकें। इस एक्सरसाइज का मतलब इन सब के बीच में टीम बिल्डअप करना था। पहली एक्टिविटी में इन सबको 2 टीम्स में बांट दिया जाता है और इनको एक राफ्ट बनाकर पानी में तैरना था। जोनस की टीम इस एक्टिविटी को जीत जाती है। और भी कई एक्टिविटीज होती हैं, जहां पर हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस पर्सन सबके फोन का डब्बा चुरा लेता है जिसके बाद वो बहुत बुरी तरह से जेनी को मार देता है। बाद में वो रिजॉर्ट का वाईफाई भी तोड़ देता है जिससे बाहर की दुनिया से सारे कॉन्टेक्ट ही खत्म हो जाए। अगली एक्टिविटी में सबको लेक की एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए इन्हें जिपिंग करनी थी। लीना डर की वजह से ही करने से मना कर देती है और इस बात पर कैज और
जोनस उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। इस वजह से वो एक्टिविटीज छोड़कर चली जाती है। वो रिजॉर्ट में जाकर जोनस के कमरे में जाती है, जहां वो उसके लैपटॉप पर मेल्स चेक करने लगती है, जिसमें उसे करप्शन के सबूत मिल जाते हैं। जोनस को इस बात का पहले से ही पता था कि ये शॉपिंग मार्केट फेल होगी, इसीलिए वो दूसरी कंपीटिंग कंपनी से कॉन्टेक्ट में था और उसका प्लान भी यही था कि सब कुछ खत्म होने के बाद वो किसी दूसरी अच्छी कंपनी में हाई पेइंग जॉब कर लेगा और उसे ये करप्शन करने के पैसे भी मिल जाएंगे। जोनस ने ये कहा था कि शॉपिंग मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनीज भी आने वाली है, मगर ये सब झूठ था। इस शहर पर कम्युनिटी का सारा पैसा वेस्ट होने वाला था, जिससे पूरा शहर ही खत्म होने वाला था। इसका फायदा बस जोनस और एंजेला को मिलने वाला था, जिसके बदले उन्हें काफी पैसे मिल रहे थे। लीना को याद आता है कि उसने तो ऐसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर सिग्नेचर ही नहीं किए थे। वो समझ जाती है कि जोनस ने कहीं ना कहीं से उसके सिग्नेचर फोर्ज किए हैं। लीना सारे एविडेंस अपनी यूएसबी में कलेक्ट कर लेती है। सारे लोग अब एक्टिविटी से वापस आ जाते हैं। क्लियो फोन का डब्बा ढूंढती है, पर उसको वो नहीं मिलता, जिसके चलते वो इन सबसे कहती है कि वो बाद में सबके फोन लौटा देगी, जिसके बाद वो फोन का डब्बा ढूंढने लगती है। फोन का डब्बा ढूंढते वक्त उसको जेनी की डेड बॉडी मिल जाती है और पीछे से वो मिस्टीरियस पर्सन उसको भी जान से मार देता है। सिचुएशन अब काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। चारों स्टाफ मेंबर्स अब मारे जा चुके थे। शाम को सभी एम्प्लॉयज की पार्टी चल रही थी। हमें फ्रांस नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है। वो यहाँ के करप्शन से बहुत तंग आ चुका था और फार्मर के सुसाइड के बाद उसने गुस्से में आकर एंजेला पर हमला भी कर दिया था, जिसका मार्क अभी भी उसके कंधे पर मौजूद है। दूसरी ओर लीना करप्शन की बात आमिर और नादिया को बता देती है। वो उनको एविडेंस दिखाती है, जिसको देखकर वो कहते हैं कि ये सब हम पुलिस को बता देंगे, जिसके बाद लीना जोनस को कन्फ्रंट करती है, जहाँ पर जोनस उसको एक अच्छी जॉब का लालच देता है। लेकिन लीना साफ इनकार कर देती है और कहती है कि सुबह ही मैं करप्शन से रिलेटेड सारे प्रूफ्स पुलिस को दे दूंगी। जबकि उसी वक्त वो किलर कैस के पास आता है और उसको ग्रास कटर से मार डालता है, जिसके बाद वो एंजेला को पकड़ लेता है, जिसको वो फ्लैग पोल पर लटका कर मार देता है ताकि सब लोग देख सकें। सब ये देखकर काफी परेशान और कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसके चलते जोनस और लीना जंगल में भाग जाते हैं। लेकिन किलर ने जंगल के अंदर भी ट्रैप लगाया हुआ था, जिससे जोनस बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, जिसके बाद लीना और जोनस राफ्ट लेकर उस लेक को पार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जोनस तो आदत से मजबूर था, इसीलिए वो लीना से एविडेंस यूएसबी छीनकर लीना को पानी में फेंक देता है। लीना पानी से बाहर निकलकर जंगल में बने एक गड्ढे में छुप जाती है और वहाँ उसको शेफ की बॉडी मिल जाती है। दूसरी ओर नाडिया, एवा बैरन और आमिर एक साथ अपने आप को रूम में बंद कर लेते हैं, क्योंकि वो सब बहुत डरे हुए थे। लेकिन उन्हें कैसे ना कैसे करके यहाँ से भागना था, इसीलिए वो मिनी वैन से भागने का प्लान बनाते हैं। नाडिया कीज लेने जोनस के रूम में जाती हैं। तभी वो किलर नाडिया पर अटैक कर देता है, लेकिन नाडिया अपने बाल काटकर उस किलर से बच जाती है और कीज लेकर वापस आ जाती है। वो सब जाने ही वाले होते हैं, इतने में वो किलर मिनी वैन के पास जाकर उसे फायरवर्क से उड़ा देता है, जिससे उनकी सारी मेहनत खराब हो जाती है। नाडिया इन सब में बहुत ब्रेव थी। आमिर जंगल में जाकर लीना को रेस्क्यू कर ले आता है और फिर ये पांचों लोग एक साथ हो जाते हैं, जबकि एनेट बाहर छुपी हुई थी। जोनस उसके पास आता है तो एनेट उसके कटे हुए सर को सी देती है, जिसके बाद इन दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं। एनेट बताती है कि मैंने ही फ्रांस को इस टीम ट्रिप के बारे में बताया था और ये पॉसिबिलिटी है कि एक किलर फ्रांस ही है जो सबको मार रहा है। अब वो दोनों भागने लगते हैं। जोनस को एक मोटरसाइकिल मिलती है, वो उसको चलाता है और एनेट धक्का देती है, मगर जब वो उस पर बैठने की कोशिश करती है तो जोनस स्पीड बढ़ाकर आगे निकल जाता है, जिस वजह से एनेट पकड़ी जाती है। एनेट किलर से कहती है कि मुझको पता है कि तुम फ्रांस हो, हम दोनों दोस्त हैं, प्लीज मुझको मत मारो। वो किलर का मास्क रिमूव कर देती है और हमको पता चलता है कि वो फ्रांस नहीं, कोई और है। किलर एनेट के सर पर हमला कर देता है, जिससे वो मरने लगती है। जबकि जोनस बाइक से भाग रहा था, पर सड़क पर पड़ी हुई कीलों की वजह से उसका टायर फट जाता है और जोनस सीधा लेक में जाकर गिरता है। यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज को पता चलता है कि किलर फ्रांस नहीं, उस फार्मर पोलसन का बेटा है, जो सबसे बदला लेना चाहता था, क्योंकि इन सब की पॉलिसी की वजह से इसके फादर की डेथ हुई, जिसके बाद सब लोग हथियार लेकर जंगल में जाते हैं ताकि वो जिप लाइन यूज करके लेक को क्रॉस कर ले। लेकिन इनके ग्रुप पर वो किलर अटैक कर देता है, जिससे सारे लोग अलग हो जाते हैं। आमिर और लीना जिप लाइन तक पहुंच जाते हैं, जबकि बियॉन और एवा वापस रिजॉर्ट चले जाते हैं। नाडिया का अभी तक किसी को पता नहीं था। आमिर लीना को जिप लाइन जाने के लिए कन्विंस करता है और दोनों साथ में जिप लाइन क्रॉस करते हैं। आमिर नोटिस करता है कि जिप लाइन के एंड में किलर ने स्पाइक्स रखे हुए हैं
और वो खुद उनके सामने आ जाता है। आमिर अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस करके लीना को बचा लेता है। दूसरी ओर किलर बिरॉन और इवा पर हमला कर देता है। किलर बिरॉन को काफी ज्यादा मारता है। इवा बिरॉन को बचा लेती है और वो दोनों गोल्डन शावल इस्तेमाल करके किलर से लड़ते हैं और उसके मास्क पर आग लगा देते हैं, मगर किलर फिर भी हार नहीं मानता। अब जैसे ही किलर उनको मारने जाता है तो अचानक से नैडिया आती है जो शाल इस्तेमाल करके उसका सर अलग कर देती है। उसने 3 बार किलर का सामना किया और एंड में उस किलर को मार ही दिया, साथ ही में सबकी जान भी बचा ली। हमें यहाँ पर किलर का फेस नहीं बस वो मास्क दिखाया जाता है। जबकि दूसरी ओर लीना लेक को क्रॉस कर चुकी थी और उसे सबका फोन वाला बॉक्स मिल गया था। वो कॉल्स करके पुलिस को बुलाती है और थोड़ी ही दूर सामने वो पुलिस के कार्स को गुजरते हुए भी देखती है, मगर जोनस लेक से निकलकर उस पर हमला कर देता है क्योंकि वो जानता था कि लीना यहाँ से बचकर उसके करप्शन के बारे में सबको बता देगी। अपने सेल्फ डिफेंस के लिए लीना जोनस का कटा हुआ सर और भी काट देती है, जिसकी वजह से जोनस मारा जाता है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस क्राइम सीन पर पहुंच जाती है और सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करना शुरू कर देती है। इसके साथ ही वो अपनी इन्वेस्टिगेशन भी कर रही थी और जल्द ही करप्शन के बारे में सबको पता चल जाएगा, जिसके साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि द कॉन्फ्रेंस की कहानी आपको पसंद आई होगी। वेल, इस कहानी से हमको एक सीख मिलती है कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। जोनस के साथ वैसा ही हुआ जैसा उसने उस फार्मर के साथ किया। पोलसन के बेटे का तरीका गलत था लेकिन उसके इरादे गलत नहीं थे। जिस पर आपकी क्या राय है आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।